वेलकम टू हेवली डेजर्ट्स एंड मोर। मैं ललिता मनोज। आज हम वेजिटेबल सैंडविच वड़ा बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं और बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वेज सैंडविच पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उस प्रकार है। एक कप हमने बेसन लिया है, 1/2 TSP अजवाइन, 1/2 TSP नमक, 1/4 TSP बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून चावल का आटा, 1/4 TSP लाल मिर्ची, 4 हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए, काकड़ी और टमाटर की स्लाइसेस लिए, चीज स्लाइसेस लिए और हरी चटनी लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए इसे बनाते हैं। बेसन में अजवाइन, नमक, लाल मिर्ची, बेकिंग सोडा और चावल का आटा, इन सबको डालकर एक बार अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना देंगे। हमें ज्यादा थिक बैटर नहीं बनाना है। इस तरह से हमें बैटर बनाना है, ज्यादा थिक नहीं बनाना है और ज्यादा लूज भी नहीं बनाना। चलिए अब हम सैंडविच बनाते हैं। हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। एक स्लाइस पे टमाटर सॉस डालेंगे। अब हम इस पर चीज स्लाइस रखेंगे। इस पर टमाटर, थोड़ा सा नमक और 1 पिंच चाट मसाला डालेंगे। अब हम दोनों ब्रेड को इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे, इसको अच्छे से दबा देंगे और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया। चलिए अब हम इसे बेसन के होल में डिप करकर ऑयल गरम तेल में तलेंगे। चलिए हमने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है। गोल को एक बार अच्छे से हिला लेना, इस तरह से होनी चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ज्यादा मोटा होगा तो फिर पकौड़े मोटे मोटे हो जाएंगे। अब हम जो सैंडविच बनाया उसको इसमें डिप करेंगे। और इसको तेल में डालकर फ्राई करेंगे। हमारे वेजिटेबल सैंडविच पकौड़े बनके रेडी है। इसे हमने टमाटो सॉस के साथ में सर्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।